दोस्तों आज हम आपको कामुकता की मिसाल देते हैं। आतंकी संगठन आईएसआई के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि वह अल्पसंख्यक यजीदी महिलाओं को यौन गुलाम बनाकर रहा है तो हमें आश्चर्य होता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों व मुगल बादशाहों ने भी बहुसंख्यक हिंदू महिलाओं को बड़े पैमाने पर यौनदास यानी सेक्स सेल्वर बनाया था। इसमें मुगल बादशाह शाहजहां का हरम सबसे अधिक बदनाम रहा, जिसके कारण दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड बसा है। फिलहाल इतिहास के सबसे कामुक भारतीय कब्जेदारी की रैंकिंग हाजी है। चित्तौड़ की पराजय के बाद महारानी जयमाल मेताड़िया समेत 12,000 क्षेत्रानियों के मुगल में हरम में जाने की अपेक्षा जौहर की अग्नि में सभी को जलाकर भस्म कर लिया। जरा कल्पना कीजिए कि विशाल गढ़ों में धड़कती आग में दिल दहला देने वाली चीखों पुकार के बीच उसमें कूदी 12,000 महिलाएं। अपने हरम को संपन्न के लिए अकबर ने अनेकों हिंदू राजकुमारियों के साथ जबरन शादियां की थी, परंतु कभी भी किसी मुगल महिला को हिंदू से शादी नहीं करने दी। केवल अकबर के शासनकाल में 38 राजपूत राजकुमारियां शाही खानदान में बिहाई जा चुकी थी। 12 अकबर को 17, शहजादा सलीम को 6, दानियाल को 2, मुराद को और 1 सलीम के पुत्र खुसरो को। सन 1561 में आमेर के राजा भारमल और उनके 3 राजकुमारों को यातना देकर उनकी पुत्री को सांबर के अपहरण कर अपने हरम में आने को मजबूर किया। औरतों का झूठा सम्मान करने वाले अकबर ने सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए न जाने कितनी मुस्लिम औरतों को भी अस्मत लूटी थी। इसमें मुस्लिम नारी चांद बीबी का नाम भी है। अकबर ने अपनी सगी बेटी आराम बेगम की पूरी जिंदगी शादी नहीं की और अंत में उसकी मौत अविवाहित ही जहांगीर के शासनकाल में हुई। सबसे मनगढ़ंत किस्सा है कि अकबर ने दया करके सती प्रथा पर रोक लगाई, जबकि इसके पीछे उसका मुख्य मकसद केवल यही था कि राजवंशी हिंदू नारियों के पतियों को मरवाकर एवं उनको सती होने से रोककर अपने हरम में डालकर अय्याशी करना। इसी तरह पन्ना के राजकुमार को मारकर उसकी विधवा पत्नी का अपहरण कर अकबर ने अपने हरम में ले लिया। अकबर औरतों के लिबास में मीना बाजार जाता था, जो हर नए साल की पहली शाम को लगता था। अकबर अपने दरबारियों को अपनी स्त्रियों को वहां सज धर कर भेजने का आदेश देता था। मीना बाजार में जो औरत अकबर को पसंद आ जाती, उसके महान फौजी उस औरत को उठा ले जाते और कामी अकबर की अय्याशी के लिए हरम में पटक देते। अकबर महान उन्हें एक रात से लेकर एक महीने तक अपने हरम में खिदमत का मौका देते थे। जब शाही दस्ते शहर से बाहर जाते थे तो अकबर के हरम की औरतें जानवरों की तरह महल में बंद कर दी जाती थी। अकबर ने अपनी अय्याशी के लिए इस्लाम का भी दुरुपयोग किया था। अकबर के हरम में 5,000 औरतें थी और ये 5,000 औरतें उसकी 36 पत्नियों से अलग थी। शहंशाह के महल के पास ही एक शराबखाना बनाया गया था। वहां इतनी वेश्याएं इकट्ठी हो गई कि उनकी गिनती करनी भी मुश्किल हो गई। अगर कोई दरबारी किसी नई लड़की को घर ले जाना चाहे तो उसको अकबर से आज्ञा लेनी पड़ती थी। कई बार सुंदर लड़कियों को ले जाने के लिए लोगों में झगड़ा भी हो जाता था। एक बार अकबर ने खुद कुछ वेश्याओं को बुलाया और उनसे पूछा कि उन्हें सबसे पहले भोग किसने किया। इतिहासकार की विस्मत में लिखा है कि शाहजहां के हरम में 8,000 रखेले थी, जो उसके पिता जहांगीर से विरासत में मिली थी। उसने अपने बाप की संपत्ति को और आगे बढ़ाया। उसने हरम की महिलाओं की व्यापक छांट की तथा बुढ़ियाओं को भगाकर और अन्य हिंदू परिवारों से बलात्कार कर हरम में बढ़ाता रहा। कहते हैं कि उन्हीं भगाई गई महिलाओं से दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड गुलजार हुआ था और वहां इस धंधे की शुरुआत हुई थी। जबरन अगवा की गई हिंदू महिलाओं की यौन गुलामी और यौन व्यापार को शाहजहां प्रशय देता था और अक्सर अपने मंत्रियों और संबंधियों को पुरस्कार स्वरूप अनेकों हिंदू महिलाओं का उपहार दिया करता था। अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर कहिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी जरूर दबाएं, जिससे आपको ताजी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।